बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केरियन मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और प्रोग्राम ये हफ़्ता कैसा रहेगा, 2 मई से 7 मई के दरमियान क्या होने जा रहा है। गालबन ये पीरियड ईद के छुट्टियों का, अगर ईद होगी तो आपको पहले सबसे पहले ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला ऐसी ईदें आपको लाखों लेके आए। अब आपका मैसेज मैं पढ़ रहा था, जो मैंने चांद ग्रहण पे भी, सूर्य ग्रहण पे भी किया, महीने का प्रोग्राम किया, पिछले हफ्ते का किया, तो लोगों ने कहा कि आपने तो मैं बहुत डरा दिया, ये कर दिया। तो वो डराने वाली बात नहीं थी, कि क्योंकि मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने था, आपके सामने जो भी आपस में लोगों की कह लें कि बहस, माँ बाप बहन भाइयों में आपस में, रिश्तों दोस्तों में भी बड़ी हीट क्रिएट हुई हुई थी और एक दूसरे से लड़ रहे थे। और अब भी खतरात वही है कि मे भी लोग सड़कों पे आए या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें। तो हमारा तो जो भी फोरकास्ट है वो आपके फ़ायदे की होती है, कि आपको पता हो कि आगे क्या होने चाहिए। एनी हो, स्टार्ट आपका जो है ना वो तीसरे घर से होने जा रहा है, और सॉरी चौथे घर से, और चौथे का लॉर्ड जो इस वक्त आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो कोई ना कोई आपके 2 दिन कोई ना कोई जायदाद के मसले मसाइल में फंसे रहे, उस पर टेंशन में रहे, उस पर कह लें कि दौलत आपके पैसे भी खर्च हुए, और आप चाहते हैं कि ये जायदाद फरोख्त हो जाए, और फरोख्त होने के बाद आप इसको बैंक में रखे ताकि वो ज़मीन के जो झगड़े झगड़े ख़त्म हो। तो इस फेजेस में आपके पिछले 3 दिन गुजरे, काफ़ी डिस्टर्ब गुजरे होंगे, लेकिन आज आपका वही मामलात को सॉल्व होता नज़र आएगा। यू विल बी रिलैक्स्ड एंड आफ्टरनून जो है ना वो आपका बहुत अच्छा होगा, और कोई ना कोई बेहतरी आपके ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आगे ये जो 2 तारीख होगी वो तो थोड़ा सा टफ टाइम होगा। 3 और 4 को आपका ये 5वें का लॉर्ड 5वें में, और एक्सीलेंट है, वहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, और मरकरी ये एजुकेशन का भी घर है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दूँ, पहले देखते हैं कि जब 5वें का लॉर्ड 5वें में होता है तो वो क्या करता है। आप बहुत ही सेंसिटिव होकर काम करेंगे, अपनी अक्ल को ब्रोएकार लाते हुए अपने तमाम काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, दोस्तों गुजारों में आपकी गपशप होगी, ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आप टीन एजेज हैं, स्टूडेंट हैं, और उसी तरह हुल्ला गुल्ला मस्ती मौज में आपका वक़्त गुजरेगा। दोस्तों से आपके तल्लक और उनके साथ सैर सपाटा ऐसे होगा जैसे जवानी के या हम खेल कूद में बच्चे शोर डालते हैं, आप बड़े होकर भी ये काम करेंगे। यहाँ पे कोई ना बगैर कोशिश के असर हुई कोई रकम अचानक फ़ायदा लॉटरी मिलने का अमकान भी है। कोई ना कोई दोस्तों से मिलकर जो बिज़नेस करेंगे उस पर भी कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाएगा, उसमें कामयाबी मिलेगी। ये जो दो दिन होंगे ना, ये आपके ऐसे होगा जैसे हर वक्त चेहरे पर खुशी होगी, हर अदा में एक मस्ती सी होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, पूरी तरह मस्तदी चुस्ती और कुछ दिखाने की लगन होगी आपके अंदर। और जिस काम को भी हाथ डालेंगे उसको उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आप उसको ख़त्म ना कर लें। तो ये एक बड़ा एक कह लें कि कमाल का ये दिन होगा, और धुन एक काम में पीछे पड़ जाएंगे, प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, बच्चों की तरफ से बड़ी अच्छी आपको रिस्पांस मिलेगा, बच्चे बड़ा बिहेव करेंगे, एंजॉय करेंगे आप बच्चों के लिए, बच्चों के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं, और किसी बच्चों के साथ शाम को किसी ना किसी सैर सपाटे वाली जगह पे, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप हुल्ला गुल्ला शोर मचाते हुए नज़र आ रहे हो, ख़ुद भी बच्चों की तरह आप काम करेंगे, क्योंकि 5वां घर हायर एजुकेशन का। तो ये छुट्टियों में आपने क्या एजुकेशन करनी है, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट सा आपको इसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं, कोई सिट्टा लॉटरी जुए में आपको मिल जाएगी, फेम में इजाफा होगा, आपके पोजीशन में कोई बेहतर हो जाएगी, सडन वेल्थ मिलती हुई नज़र आती है, और मनफी सोचों से भी जान छूटेगी आपकी। यहाँ पे आपकी पब्लिकेशन में भी कोई इजाफा हो सकता है, एंटरटेनमेंट, कोई बाहर से ईमेल आ जाएगा कि आपका पेपर पब्लिश हो गया, क्योंकि मरकरी बैठा है, तो मरकरी जो उन पीएचडी के लोगों के पेपर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो पेपर छप जाएगा पीएचडी का। तो यहाँ पे
इंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी आपका वक्त गुजरेगा, इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आप शो डालते हुए नज़र आते हैं। फ्लर्टनेस में भी, रोमांस में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी, म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी, जिससे आप काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो ये दो दिन कमाल के होंगे, क्या बात होगी इससे, तो चेहरे पे बड़ी स्माइली होगी। और इसकी कंटिन्यूटी 5, 6, 7 आपका छठे घर में मून होगा, और छठे का लॉर्ड छठे घर में। तो जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, जहाँ पे जॉब करते हैं, सर्विस मैटर का भी घर है, तो वहाँ पे आप बहुत एक्टिव और एक क्या कहते हैं कि एनर्जी के साथ जाएंगे वहाँ पे, और बहुत ही कह रहे हैं कि उस दिन आपकी गपशप लगेगी अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, और एक कह लें कि बड़ा खुशगवार माहौल होगा। चेकते फिरेंगे, हर बंदा आपकी तरफ आएगा, आपको तरफ मिलने की कोशिश करेगा, आपके अंदर कोई एक मकनातीसी कुव्वत होगी, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, और आप भी बड़े जोश और जज्बे से लोगों को सर्विस देंगे। मखफिलों में भी दिलचस्पी रहेगी, एक रूटीन सी होगी जो आपको बहुत ही आपको इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, छठा घर आपकी सर्विस मैटर का, यहाँ पे आपके आसदीन का, वो सारे आपके अंडर कंट्रोल होंगे, मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, अंकल आंट के साथ भी आपकी कोई ना कोई इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे किसी किस्म का आपके पास अंदर ग्रीड या एंगर एरोगेंस नहीं होगा। कोई इन्वेस्टमेंट में कोई मसले मसाइल हैं, कोई लिटिगेशन केसेस, उसमें आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। मार्शल प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी, कोई लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट दूर हो जाएगा, आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बहुत कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ पे आप वर्कर सर्वेंट्स को वर्कर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आएंगे, कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब रहेंगे, कोई बीमारी दूर हो जाएगी, कोई ज़ख्म ठीक हो जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट दूर हो जाएगी, कोई सिकनेस दूर हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट या ऑब्स्टेकल्स आई वो ख़त्म हो जाएगी, कोई ना कोई अगर आपका शोकॉज नोटिस है वो फाइल हो जाएगा, इंक्वायरी फाइल हो जाएगी, क्रूल एक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपकी ट्रांसफ़र गलत हुई तो वो आपके हक में हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अगर कोई इम्तिहान दिया हुआ है तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो ये जो 3 दिन है, ये चेहरे पे स्माइली, चेहरे पे आपके रख रखाव, फेवरेबल रिजल्ट्स, और काफ़ी कह लें कि वो लोग मसलन नेवी के लोग हैं, जो फिशरी के लोग हैं, जो सर्विस करते हैं, या सेलर हैं, वो भी मैं आपको शोबे देख लूँ, ज़रा बता दूँ आपको, तो वो लोग बहुत एक्टिव होके उनको एडवांटेजेस मिलेंगे। ट्रैवलर हैं वो बड़े एक्टिव होंगे, और मिलक का कारोबार करने वाले, हॉकर, वाटर वर्क्स, शिपिंग, नेवी, पेट्रोलियम, फिशरी, ग्लास का, हॉस्पिटल, ये लोग एक्टिव होके अपनी सर्विसेज देंगे, बहुत एक्टिव होके, खुश होके चेहरे पे। मसलन बार दफ़ा छुट्टियों में डॉक्टरों की ड्यूटी लग जाती है और बड़े सड़े मूड से वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स रात भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे, और यहाँ पे आप खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। बस एक चीज़ है कि सियासी आप अपनी मार ना खाइएगा, बहस ना कीजिएगा, इसको डिस्कशन में ना लाइएगा, अपनी वाटर इनटेक्स पूरी कीजिएगा। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या किडनी के मरीज़ हैं, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, वो अपनी दवाइयाँ मेडिसिन अपने टाइम पे लीजिएगा। मास वाइज सियासत वाली दवाई नहीं लेनी, बाकी सब आपका फेवर में होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।